कुत्तू जी तक ज्यादा। असलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आई बजे सुबह के 6:30, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग यहाँ कुसुमा से, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि कल रात से ही हमारे वहाँ करंट चला गया, बस थोड़ा सा बारिश हुआ, 5 मिनट भी नहीं होगा बारिश हुआ, लाइन वाले लाइन काट दिए, मतलब क्या ही बोलें, करंट जा चुका, फिर इन्वर्टर भी हमारा ख़त्म हो चुका, तो कैसे करते भाई ब्लॉग अंधेरे पे। तो अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग, तो बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है आई नो। तो आज का जो डेस्टिनेशन है हमारा वो है देवझर और डबरखोल। तो यहाँ से अभी मैं आ चुका हूँ, यहाँ से मुझे कुछ ज्वाइन कर चुका है और अभी हमें कुआखी से ज्वाइन करेंगे पार्थ भाई और अश्विन भाई, फिर हम चलेंगे सीधा, फिर आगे से हम संजीव शंकर भाई सब ज्वाइन करेंगे, लेट्स गो। तो अभी हम यहाँ कुसुमा से निकल रहे हैं, पुपुन आगे जा चुका है तो हम भी चलते हैं। आज जो वेदर है काफ़ी बढ़िया है, बस बारिश ना हो, कल रात को बारिश हुआ है, बारिश होने का चांस है, तो बारिश ना हुआ तो परफेक्ट मौसम राइड करने के लिए। थोड़ा फॉग हो रखा है लेकिन कोई नहीं, इतना भी नहीं है, राइड कर सकते हैं आराम से, लेट्स गो। तो कल मैंने दो फ्लैग खरीद के लगा लिया था लेकिन अभी स्पीड की वजह से ये फ्लैग मुझे लग रहा है नहीं टिक पाएगा, इसलिए पानी को इसमें फ्लैग को निकालेंगे और अश्विन भाई का जो डब्बा है उसमें रख देंगे, क्योंकि उसे कहीं रख तो नहीं सकते ना, आराम से वो डब्बे में रख देंगे बस। तो लेट्स गो। अभी हम कुआखिया पे आके पहुंच गए हैं, तो अश्विन भाई का एक्चुअली फ़ोन आया था कि पार्थ भाई के बाइक का टायर पंक्चर हो चुका है और वो टायर पंक्चर भी बनवा लिए हैं, तो वो और 15-20 मिनट के अंदर आगे पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ फ्लाईओवर के ऊपर वहाँ लास्ट पे उनका वेट कर रहे हैं हाईवे पे, तो यहीं पे उनका वेट करते हैं, आने के बाद फिर चलेंगे, तो आने दो उनको, फिर हम चलेंगे। पुपुन भी शायद बहुत पीछे रह गया, मैं खींच खींच कर चला आया, उसका वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेट्स सी कब आता है। और यहाँ सब आ चुके हैं, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, सब लोग निकले तो हम भी निकलते हैं। भाई मेरा चाबी कहाँ गया, पॉकेट में चाबी रख दिया हूँ, सब लोग चले गए तो हम भी निकलते हैं। और यहाँ से शुरू होता है अपना राइड, अपने को यहाँ से जितने राइडर ज्वाइन करने वाले थे सब ज्वाइन कर चुके हैं और जो कटक से ज्वाइन करेंगे, तो लेट्स गो। आज का वेदर तो काफ़ी मज़ेदार हो रखा है, बस थोड़ा सा फॉग है, कोई टेंशन नहीं, चल जाएगा, लेट्स गो। यहाँ आते आते हमें बाराबंकी में पूरा ट्रैफिक मिल चुका है, बस एक ट्रैफिक से निकल जाए फटाफट से। टाइम लगा उठा रहा हूँ, वहाँ कुत्तू जी तक गुजरा था। वहाँ पे रुके हैं, अपने बाइक में प्रेशर कम है
तो पेसर दिलवाते हैं और पप्पू भी थोड़ा पीछे रह गया है, उसको आने दो, फिर चलते हैं। एक नीचे पूरा गंदा हो चुका है। एक्चुअली कल बारिश हुई थी, जो पानी है इसकी वजह से बाइक पूरी गंदी हो चुकी है यार। पूरी साफ थी, पूरी नीचे से गंदी हो चुकी है। तो अभी हम सबसे पहले आकर पहुंच गए छतिया पे और सब पीछे ही आ रहे हैं। तो यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे हम। अरे यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, भूख बहुत जोर का लगा है भाई। सबको आने दो, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे हम नहीं खाए, हम ले लिए हैं पैकिंग करके, जो ऑसम बैग का डब्बा है उस पर पैकिंग करके रख रहे हैं। ये जो डब्बा है बस खाने पीने का सामान कैरी करेगा बस, इस डब्बे पे ले जाएंगे, उधर जाकर खाएंगे। तो चलते हैं क्योंकि देर हो रहा है, यहाँ पर बैठ कर खाएंगे मैंने, मतलब कि अभी 30 मिनट लग जाएगा हमें खाते पीते। तो चलते हैं। तो यहाँ हमें कंफ्यूजन बहुत हो रही है, तो हम अभी देख रहे थे जो राउट है, जो उधर का जो आठवत का राउट है हम देख रहे थे। तो गूगल दिखा रहा है, हमारे दोस्त बोल रहे हैं अलग, देखते हैं क्या होता है। कैसा भी होगा पहुँचना तो है डेस्टिनेशन के लिए इसको। लिटरली बोलूँ तो ड्यूक 390 का जो स्टार्टिंग पिकअप है वो काफ़ी मज़ेदार है। देखो ये लिया, ये देखो फट से उंगली मारती है, मतलब इनसेन है। तो यहाँ पे अभी आठगढ़ में पहुँच चुके हैं और यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे। छतिया से भी कुछ काकड़ा हम ले आए थे साथ में, पार्थो भाई ले आए थे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं अपने डेस्टिनेशन तरफ। तो अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट ओवर हो चुका है, तो अभी हम चल रहे हैं देवघर की ओर। लेट्स गो। अभी हम आठौड़ मार्केट पे हैं, तो अभी टूवर्स देवघर चलते हैं। अभी 10 बज चुके हैं, तो हम 30 मिनट में जैसे पहुँच जाएंगे। लेट्स गो। सब मेंबर अभी जा चुके हैं, लेकिन एक दोस्त के घर में मैं रह गया था अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो भी जाने वाला है मेरे साथ, तो वो भी निकल चुका है। अब हम दोनों साथ में जाएंगे, वो यहीं आठगढ़ का रहने वाला है। तो पहले हम दोनों कॉलेज में, वो दोनों भाई हैं, तो हम सब कॉलेज में एक ही रूम में थे। तो आज बहुत दिनों के बाद, मतलब कॉलेज जब से फिनिश हुआ था तब से हमारा कभी देखा। देवघर दिखा रहा है 14 किलोमीटर और सातकोशिया यहाँ से 34 किलोमीटर। तो हमें तो जाना है बस देवघर, तो वहाँ से डाबोर खोल फिर सीधा घर। तो
यहाँ पे अभी हम आके पहुँच गए हैं देवझर वाटरफॉल के पास। तो अभी मेरे सामने वाटरफॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। लेट्स सी, वाटरफॉल तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो देखते हैं। एक्चुअली हमारा डाबर खोल जाने का प्लान था, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। अगर हम डाबर खोल जाते तो बहुत देर हो जाता, तो हम डाबर खोल को रिप्लेस करके और एक मस्त जगह गए थे। वहाँ पे हमारे जो दोस्त वहाँ के थे वो हमें बोले, तो बढ़िया सा प्लेस है जहाँ पे हमने बहुत सारे कच्ची और मच्छी देखी। तो देखिए आप, बहुत ही मज़ेदार जगह थी। तो इसी याद करते हैं वीडियो का नाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग पर। टिल देन बाय।